दोस्तों ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 का इंजन, और ये इंजन खोलने का हमने पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो मैंने बोला था इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो इसमें सेकंड पार्ट में जो है हम आपको इस इंजन की पूरी फिटिंग दिखाएंगे। तो इसकी इंजन फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने ब्लॉक को अच्छी तरीके से साफ़ करना होता है। साफ़ करने के बाद में हमने इसमें ऑयल जेट लगाना होते हैं, तो चारों ऑयल जेट जो हमने रेडी कर लिए हैं और अभी चारों ऑयल जेट लगाएंगे इसके अंदर। ये होते हैं दोस्तों इसके ऑयल जेट जो है चारों हम पुराने ही लगा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कंडीशन के हैं। इनको हमने अच्छे तरीके से चला कर चेक कर लिया है, बिल्कुल जैसा नया ऑयल जेट काम करता है वैसा ही काम कर रहा है। और एक की कीमत की अगर बात करें तो लगभग 300 रुपये का एक आता है, तो चारों ऑयल जेट करीब 1200 रुपये के हो गए, और ये अभी पुराने ही काम करेंगे क्योंकि बिल्कुल न्यू कंडीशन है। तो इसमें चारों में हम नए वाले पैकिंग लगा कर और अभी इसको लगाते हैं। इस तरह से इधर लगाना होता है इसको, और इसको लगाने के बाद में 8 नंबर का बोल्ट लगाकर इसको टाइट करना होता है। तो अभी लगा रहे हैं इसका 8 नंबर का बोल्ट, और इसको 8 नंबर की टी गोटी से, ये 8 नंबर की टी गोटी है, 8 नंबर की टी गोटी से इसको टाइट करना होता है। तो जैसा कि हमने 1 नंबर वाला लगाया है उसी हिसाब से बाकी के चारों भी लगाना होते हैं। तो चलिए लगवाते हैं अभी चारों ऑयल जेट। तो ये चारों ऑयल जेट दोस्तों लगाकर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ऑयल जेट का काम होता है दोस्तों कनेक्टिंग रॉड का जो बुश होता है उस पर स्प्रे करने का काम होता है, लुब्रिकेंट करने का काम होता है। और उसके बाद में ये रहे इस इंजन के मेन बैरिंग, जो मेन वाले पीस भी कहलाते हैं। तो ये जो मेन बैरिंग है दोस्तों, ये हमने क्योंकि क्रेंक शाफ्ट सीज हो गई थी, क्रेंक शाफ्ट को हमने टर्न कराया अभी। तो क्रेंक शाफ्ट टर्न कराने के बाद में दोस्तों ये 10 नंबर पर पहुँच गई है। तो ये जितने भी पीस हैं 10 नंबर के हैं, और दोस्तों हम लगवाएंगे इसमें हम इसके थ्रस्ट वार्सल जो होते हैं, तो इसके जितने भी थ्रस्ट वार्सल हैं चारों होते हैं, चारों के चारों हमने रेडी कर लिए हैं, और ये अभी लगवाएंगे हम इसमें। और इसकी क्रेंकशाफ्ट जो है दोस्तों वो भी हमने रेडी कर ली है, 2 मांझकर बिल्कुल चमका दी है, और इसको हमने टर्न कराया था, अभी 10 नंबर पर पहुँच गई है। तो ये पहले स्टैंडर्ड पर थी और पहली बार ही टर्न हुई है, तो इसको हम लगवाएंगे अभी। अभी 10 नंबर पर पहुँच गई, लगवाते हैं अभी इसे इंजन ब्लॉक के अंदर। और इसमें इंजन ब्लॉक में लगाने से पहले दोस्तों हमें इसके जो थ्रस्ट वार्सल जो हैं इनको हमें ठीक से लगाना होता है, और इनके लगाने के बाद में इसमें स्लॉट जो दिए हैं कट वाले, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो आपको दिख रहा है थ्रस्ट वार्सल, इसमें जो कट वाले स्लॉट हैं ये बाहर की साइड में रखना होते हैं, तो इसी हिसाब से अंदर वाला भी रखना होता है। और आप लगवाएंगे इसमें नया वाला इंजन ऑयल थोड़ा थोड़ा, नया वाला इंजन ऑयल लगाने के बाद में इसमें जो क्रेंक शाफ्ट है फिर हम लगवा कर इसे फिटिंग करेंगे। तो सभी पीस पर नया वाला इंजन ऑयल थोड़ा थोड़ा लगा कर और इस पर लगा देना होता। और दोस्तों ये इसकी बेड प्लेट है, बेड प्लेट जो है दोस्तों इसमें भी जो मेन बेयरिंग है जो ऊपर वाले हैं, तो ये लगाने के बाद में इसमें भी नया वाला ऑयल लगाएंगे। और ये इसकी क्रेंक शाफ्ट है दोस्तों, क्रेंक शाफ्ट अभी हमने ब्लॉक में लगवा दी है, और ब्लॉक में लगाने के बाद में इसकी बेड प्लेट लगाएंगे। लेकिन बेड प्लेट लगाने से पहले इसका जो फेस है, तो एनाबॉन्ड की ट्यूब हमने लगा ली है चारों तरफ, क्योंकि इसमें पैकिंग तो होता नहीं है कोई भी, तो इसमें एनाबॉन्ड की या जो भी ट्यूब आप यूज़ करते हैं इसकी लीकेज रोकने के लिए, हम इसमें एनाबॉन्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने लगा लिया अभी। और इसके बाद लगाएंगे इसकी बेड प्लेट, और बेड प्लेट लगाकर इसकी क्रेंक शाफ्ट को हम अच्छे तरीके से टाइट करवा देंगे। तो ये इसकी बेड प्लेट है दोस्तों, और बेड प्लेट लगाकर, बेड प्लेट बोले तो इसका ब्रैकेट या कैप जो भी आप बोलते हैं बोल सकते हैं, लेकिन ये रियल नाम इसका बेड प्लेट ही है। तो अभी ये बेड प्लेट को टाइट करने के लिए इसमें 15 नंबर के 10 बोल्ट लगते हैं, और बाकी 10 बोल्ट जो होते हैं वो 8 नंबर एलंकी वाले होते हैं, जो कि अभी लगा रहे हैं ये वाले, ये साइड में लगते हैं, और इसमें एलंकी वाले पैल होते हैं जिसमें 8 नंबर की एलंकी वाली गोटी लगती है। तो ये 10 ये होते हैं और 10 होते हैं क्रेंग वाले, तो टोटल 20 बोल्ट होते हैं, और 20 बोल्टों पर बेड प्लेट कसी हुई होती है। तो अभी इसको अच्छी तरीके से हम टाइट करवा रहे हैं, और इसको टाइट करने के बाद में दोस्तों फिर इसमें लगवाएंगे हम इसके पिस्टन और इसकी कनेक्टिंग रॉड। और दोस्तों इसके चारों पिस्टन जो हैं वो हमने पुराने ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पुराने पिस्टन बिल्कुल सही हैं, और इसकी कनेक्टिंग रॉड हैं वो भी पुरानी का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक जो कनेक्टिंग रॉड है ये वाली 2 नंबर की, ये तो आपको हमने वीडियो में दिखाई थी पहले पार्ट में, क्योंकि ये सीज हो गई थी और इसको काट कर निकालना पड़ा था, तो ये वाली नई लगवा रहे हैं। बाकी की तीनों कनेक्टिंग रॉड और चारों पिस्टन जो हैं वो हम पुराने ही यूज़ कर रहे हैं। और पिस्टन की बात करें दोस्तों, पिस्टन पुराने ज़रूर हैं लेकिन बिल्कुल न्यू कंडीशन है, ज़रा भी इनमें कोई ख़राबी नहीं हुई है, केवल ये कनेक्टिंग रॉड हम नई लगा रहे हैं। तो और बाकी हमने दोस्तों ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक के अंदर जो स्लीव होती हैं इसकी, जो लाइनर जो कहलाते हैं, तो ये स्लीव हमने टोटल नई लगवाई हैं, क्योंकि ये स्लीव भी कट गई थी, इसके लाइनर जो हैं सिलेंडर लाइनर ये कट गए थे, तो ये हमने नए लगवा दिए हैं चारों के चारों। और चारों सिलेंडर लाइनर नए लगवा कर पिस्टन हम पुराने यूज़ कर रहे हैं, रिंग इसमें नए लगाएंगे, कनेक्टिंग रॉड एक हमने नई लगवा ली है, और इसको हम पूरा अच्छे से फिटिंग करवा देंगे।
अभी हमने रिंग ले लिए हैं और रिंग हमने ये ओरिजिनल महिंद्रा के मंगा लिए हैं। पार्ट तो हम सभी महिंद्रा का यूज़ करते हैं ओरिजिनल, तो अभी ये पिस्टन हमने इसमें जो नए रिंग मंगाए हैं पिस्टन में लगाने के लिए, तो चलिए लगाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे लगाना होते हैं पिस्टन के अंदर रिंग, किस तरह से बैठाना होते हैं। तो सबसे पहले जो ऑयल रिंग है और ऑयल रिंग का जो स्प्रिंग वाला जो नीचे वाला एरिया है, स्प्रिंग वाला जो स्प्रिंग वाला तार है, तो सबसे पहले इसको लगाना होता है। और उसके बाद में दोस्तों इसके स्प्रिंग के ऊपर जो कैप होती है ऑयल रिंग की, ये वाली, तो ये वाली कैप जो है स्प्रिंग वाले तार के ऊपर इसको अच्छे तरीके से लगाना होती है। और नंबर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ टॉप की तरफ रखना होता है। तो इस तरह से ये इसका ऑयल रिंग जो है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाता है। और ये ऑयल रिंग पूरा कंप्लीट हो गया, बाकी के अभी रिंग लगाते हैं। दूसरा रिंग जो होता है सेकंड वाला, वो होता है इसका कंप्रेशर रिंग। तो चलिए लगाते हैं अभी कंप्रेशर रिंग भी। ये होता है दोस्तों इसका कंप्रेशर रिंग जो काला कलर का होता है, और कंप्रेशर रिंग जो है दोस्तों बीच में आता है, ऑयल रिंग के बाद में कंप्रेशर रिंग आता है। और कंप्रेशर रिंग पर भी लिखा हुआ वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखना है, तो कंप्रेशर रिंग भी हमने लगा दिया। और सबसे लास्ट में जो आता है सबसे टॉप पर, वो आता है दोस्तों इसका टॉप रिंग। तो ये रहा इसका टॉप रिंग, और टॉप रिंग पर भी जो लिखा हुआ वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये शायद आपको दिख रहा होगा, ये वाला लिखा हुआ वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखना होता है, तो ये सबसे लास्ट में आता है। और ये लगा दिया दोस्तों हमने इसका टॉप रिंग। तो तीनों रिंग दोस्तों इसी तरह से लगाना है। तो एक नंबर की पिस्टन में हमने आपको लगा कर दिखा दिए, बाकी के तीन पिस्टनों में भी रिंग इसी हिसाब से लगाना है। और उसके बाद में दोस्तों इसे पेट्रोल से धोना होता है, तो पेट्रोल से हमने धोकर रेडी कर लिया है। और उसके बाद में अभी हम इसमें नया वाला इंजन ऑयल जो कनेक्टिंग रॉड का जो बुश है, सीआर बुश जो कहलाता है, उस एरिया में थोड़ा सा लगा दिया। बाकी का रिंगों में लगाना होता है, जो कि रिंग के जो गाले हैं वो सभी अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद में नए रिंग लगाए, नए रिंगों में हमने इंजन ऑयल इसमें अच्छे तरीके से लगा दिया। उसके बाद में लगाना होता है इसके मेन बिगिन पर, ये वाले एरिया पे। और यहाँ पर सब जगह ऑयल लगाने के बाद में दोस्तों इसका जो पिस्टन का जो देखना होता है सेंटर के, किस हिसाब से हमें पिस्टन लगाना है, लेकिन उसे लगाने से पहले सिलेंडर लाइनर में थोड़ा सा नया वाला इंजन ऑयल लगा कर और उसके बाद में इसमें घुमा देते हैं। और दोस्तों ध्यान ये देना होता है, ये जो कट वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको पिस्टन पे, ये कट वाला हिस्सा इसलिए दिया होता है क्योंकि सिलेंडर लाइनर में क्रेन के पास में सामने आपको दिख रहा होगा इसका ऑयल जेट, तो ऑयल जेट जो है वो कट वाले हिस्से में ही आता है, तो इस बात का ध्यान रखें पिस्टन लगाने के टाइम पे। चलिए लगाते हैं अभी इसका पिस्टन। और पिस्टन लगाने के बाद में दोस्तों इसके रिंग के जो मुँह हैं वो कहाँ पर किस हिसाब से सेट करना होते हैं, चलिए वो भी दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसका ऑयल रिंग का हमने मुँह सामने की तरफ रख लिया है, ये वाला, और बाद में बीच वाला जो कंप्रेशर रिंग है, कंप्रेशर रिंग का मुंह आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ ये बीच में जो काला वाला रिंग जो है कंप्रेशर वाला रिंग, इसका खुला हुआ वाला जो मुंह है पिस्टन के बीचों बीच रखना है, और साइड में किधर भी नहीं होना चाहिए। इधर साइड का मतलब है जो साइड में जो इसकी पिस्टन पिन होती है ना, गजन पिन, उधर की तरफ किसी भी रिंग का मुँह नहीं होना चाहिए, बीचों बीच रखना है इसका कंप्रेशर वाले का। और आपको दिखाता हूँ इसका टॉप रिंग का भी और ऑयल रिंग का, वापस से दिखाता हूँ फिर से। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये इसका टॉप रिंग है, टॉप रिंग का मुंह हमने खुला हुआ वाला हिस्सा इधर रखा है, और बाकी ऑयल रिंग का, ऑयल रिंग की किनार और टॉप रिंग की किनार, ये ठीक हमने सामने की तरफ रखी है। बस ध्यान इतना रखना होता है कि किसी भी रिंग का मुंह जो है वो पिस्टन पिन यानी इधर इधर साइड में किधर भी नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ किधर भी नहीं होना चाहिए, बल्कि पिस्टन के बीचों बीच गजन पिन से बचता हुआ होगा तो रिंगों की सेटिंग ठीक है। मैं तो इसी हिसाब से रखता हूँ, और शायद बाकी के मैकेनिक भाई भी इसी हिसाब से रखते होंगे बचाकर। और इसके बाद में दोस्तों इसका रिंग पुलर लगाकर हम इसको पिस्टन को और बैठा देते हैं अभी। तो ये इसका रिंग पुलर है, और रिंग पुलर लगाकर इसके रिंगों को अच्छी तरीके से टाइट करके और फिर इसको पिस्टन को हम अंदर सिलेंडर में बैठा देंगे अभी। तो रिंग पुलर को अच्छे से टाइट करने के बाद में पिस्टन का सेंटर देख लेना होता है कि पिस्टन हमारा सीधा है, और उसके बाद में हमें इसका सेंटर ठीक से मिलाकर रिंग पुलर का, और उसके बाद में पिस्टन को अंदर की तरफ बैठा देंगे अभी। तो दोस्तों एक नंबर का पिस्टन जो हिसाब से हमने आपको रिंगों की सेटिंग बताई है, पूरा सिस्टम बताया, जिस हिसाब से एक नंबर का पिस्टन लगाया, बाकी के तीन पिस्टन भी सेम इसी हिसाब से लगाना है। तो अभी लगवाते हैं दोस्तों बाकी के जो तीन पिस्टन रह गए हैं वो भी सेम इसी हिसाब से लगाकर रेडी करते हैं, और उसके बाद में लगवाएंगे इसका ऑयल चैम्बर, ऑयल सम जो कहलाता है, वो लगवाएंगे।
तो फाइनली दोस्तों हमने चारों पिस्टन लगाकर तैयार कर दिए हैं और इसके बाद में लगवाएंगे इसको ब्लॉक को सीधा करके इसका ऑयल सम। तो ब्लॉक को हमने अभी सीधा कर लिया है और इसका जो ऑयल सम लगाने से पहले यानी ऑयल चैम्बर लगाने से पहले हमें ये जो फेस है इसका, क्योंकि इसमें कोई पैकिंग तो होता नहीं है, इस फेस को अच्छी तरीके से कपड़े से खुशक कर लेना है, साफ़ कर लेना है और इसके बाद में इसमें एनाबॉन्ड की ट्यूब लगाकर हम इसमें ऑयल सम्प यानी ऑयल चैम्बर इस पर लगा देंगे। तो एनाबॉन्ड की ट्यूब हमने अच्छी तरीके से लगा ली है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं वीडियो में। बाकी आप जो भी ट्यूब यूज़ करते हो, मैंने अभी इसमें एनाबॉन्ड का यूज़ किया है और लगाते हैं ऑयल सम्प। लगाओ। तो ऑयल सम लगाने से पहले दोस्तों सभी बोल्टों को अच्छी तरीके से चेक कर लेना होता है, हमने चेक कर लिया है और बाद में लास्ट में अच्छे तरीके से देखकर इसको लगा देना होता है। और लगाकर दोस्तों इसके जो बोल्ट हैं वो 12 नंबर के बोल्ट होते हैं, सभी छोटे बड़े साइज़ के अलग अलग, तो साइज़ सभी का देखकर और ठीक तरीके से लगाकर फिर इसको अच्छे तरीके से फिटिंग कर देना है। और उसके बाद में लगाएंगे दोस्तों हम इसका सिलेंडर हेड, चलिए दिखाते हैं आपको। और दोस्तों ये रहा इसका ऑयल प्रेशर स्विच। ऑयल प्रेशर स्विच जो है दोस्तों ये भी हमने महिंद्रा का ओरिजिनल मंगा लिया है, क्योंकि इंजन सीज हुआ था तो इसमें ऑयल प्रेशर स्विच भी वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो ऑयल प्रेशर स्विच जो है ये हमने महिंद्रा का ओरिजिनल मंगा लिया है और लगाते हैं अभी इसको। बाकी इंजन की जो सफाई होती है वो हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, इसकी धुलाई मंजाई में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो इसको हमने साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से और नया वाला ऑयल स्विच अभी हम लगा रहे हैं। और बाकी अभी लगाएंगे इसका हम सिलेंडर हेड। और दोस्तों ये इसकी एल्बो है जो ब्लॉक में लगी होती है साइड में, पानी वाली एल्बो होती है, तो ये गल गई थी और गाड़ी के साथ की है, क्योंकि 2015 मॉडल गाड़ी है ये। और ये एल्युमिनियम का पार्ट है तो ये कूलेंट ना, जैसे कभी कभी क्या होता है कूलेंट नहीं है, बिना कूलेंट के भी चला दिया तो गलने लगती है। तो हमने ये नई वाली एल्बो ओरिजिनल महिंद्रा की मंगा ली है और ये एल्बो भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि अगर पुरानी लगा देंगे तो आगे चल के थोड़े दिन के बाद गल जाएगी और बाद में गाड़ी का कूलेंट ख़त्म हो जाएगा, वापस से हीट होगी। तो एल्बो जो है दोस्तों इस महिंद्रा के डिब्बे में आई है, पार्ट नंबर और सब कुछ लिखा हुआ है, हाउसिंग वाटर पंप इनलेट, तो ये सब महिंद्रा का सभी पार्ट यूज़ किया है। और बाकी ये जो गियर हैं दोस्तों आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये इसका हाई प्रेशर पंप का गियर है, ये भी महिंद्रा का मंगाया, सारे गियर हमने महिंद्रा के मंगाए हैं, तो ये इसका हाई प्रेशर पंप पर लगता है। और ये गियर दोस्तों इसलिए हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि इसके गियर के जो दांते हैं इनमें काफ़ी प्ले बन गई थी, तो दांते जो है वो, ये गियर तो आज तक कभी चेंज हुए नहीं हैं और गाड़ी ये करीब 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो अभी ये गियर हमने जो है 2 लाख किलोमीटर के बाद चेंज कर रहे हैं। बाकी इसकी टाइमिंग चेन अभी थोड़ा टाइम पहले ही चेंज हुई थी, शायद किसी मैकेनिक भाई ने चेंज करी होंगी, तो टाइमिंग चेन सही है। बाकी इसके जो जितने गियर हैं चारों, ये इसका क्रैंकशाफ्ट का और ये इसका कैमशाफ्ट के भी दोनों, तो चारों गियर जो हैं वो हमने नए मंगा लिए हैं महिंद्रा के ओरिजिनल, और चारों के चारों गियर हम अभी नए लगाने वाले हैं इस इंजन के अंदर, तो चलिए लगवाते हैं अभी ने। और जितना भी पार्ट हम यूज़ करते हैं दोस्तों, आपने हमारी हर एक वीडियो में देखा होगा, ज़्यादातर पार्ट हम यूज़ महिंद्रा का ही करते हैं। 1% अगर कोई पार्ट नहीं मिलता है महिंद्रा का किसी वजह से, तो दूसरा अदर कंपनी का, अच्छी कंपनी का ओरिजिनल पार्ट हम मंगा कर और लगवा देते हैं। और दोस्तों अभी हमने इसका क्लच सेट भी लगा दिया है, क्लच सेट जो है दोस्तों बिल्कुल नया है, और क्योंकि इसकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट दोनों बिल्कुल न्यू हैं, शायद अभी थोड़े टाइम पहले चेंज हुई होंगी, तो ये दोनों नई हैं, तो ये पुरानी ही लगा रहे हैं हम। और बाकी अभी सभी ये हमने चैम्बर लगा के, इसकी प्रेशर प्लेट लगाकर, क्लच प्लेट लगाकर सब कंप्लीट कर लिया है, और बाकी इसमें चारों पिस्टन जो हैं वो हमने पुराने ही लगाए हैं, तो पूरा कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद में दोस्तों सिलेंडर हेड लगाने से पहले हमें इसके जो लाइनर हैं, इसकी जो स्लीव हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल लगाना है। इंजन ऑयल हम चारों में नया लगा लेंगे, उसके बाद में हम इसके सिलेंडर हेड को ऊपर से लगवा देंगे और इसका गैसकेट भी लगवाएंगे। गैसकेट लगाने के बाद इसका सिलेंडर हेड हम इस पर लगवा देंगे। तो चारों पिस्टन जो हैं वो हमने ठीक तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं। आपको हर एक चीज़ थोड़ी बारीकी से हम दिखाते हुए चल रहे हैं पूरी वीडियो में, ताकि आपको भी समझ में आए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। और चलिए लगाते हैं अभी इसमें नया वाला इंजन ऑयल। और दोस्तों ये इसकी पैकिंग किट है, उसमें सिलेंडर हेड गैसकेट भी निकला है, तो सिलेंडर हेड गैसकेट जो है वो हम इस तरह से लगाना होता है। और सिलेंडर हेड गैसकेट जो है दोस्तों, इसमें आप अगर चाहें तो नया वाला इंजन ऑयल लगा सकते हैं, और सूखा भी अगर लगा देंगे तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम इस पर थोड़ा थोड़ा इंजन ऑयल लगाएंगे नया वाला, और इंजन ऑयल लगाने के बाद में इसका जो सिलेंडर हेड है वो अच्छी तरीके से हम इस पर कसवा देंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेंडर लाइनर में हम लगवा रहे हैं, चारों में लगाएंगे, और चारों में इंजन ऑयल लगाने के बाद में हम इसका सिलेंडर हेड लगाएंगे। और दोस्तों ये इसका सिलेंडर हेड है, तो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में, इस वीडियो से पहले जो पहला पार्ट बनाया था उसमें दिखाया था,
ये सिलेंडर हेड जो है वो पूरी तरह से गल चुका था, तो इसको हमने क्या काम किया है, इसमें हमने वेल्डिंग कराया, पूरे हेड को वेल्डिंग करा के बनवाया। और वेल्डिंग कराने के बाद में इसको हमने फेस मशीन से इसका पूरा फेस बनवा दिया, बिल्कुल एक सा कर दिया। आपको दिख रहा होगा हेड ऐसा मालूम पड़ रहा है देखने में जैसे बिल्कुल नया हेड है। तो इसके जो पानी वाले ये जो होल मैं आपको दिख रहा हूँ ये पूरी तरह से बड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और इसीलिए हमें सिलेंडर हेड को वेल्डिंग कराना पड़ा है। और वेल्डिंग कराने के बाद में हमने इसको फेस करा दिया है। और दोस्तों इसमें जो वाल्व लगे होते हैं 16 वाल्व होते हैं लगे हुए, तो 16 के 16 वाल्व जो हैं वो पुराने ही लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि बिल्कुल सही कंडीशन के थे। इनको हमने साफ़ करवा कर धो मांज कर रेडी करवा दिया है और इन वालों को ग्रैंड करा दिया है। लेकिन इसमें जो वाल्व सीले जो लगती हैं 16 की 16, वो वाल्व सीले हमने ओरिजिनल महिंद्रा की इसमें लगवा दिए हैं। और हेड का हमने फेस आप देख सकते हैं, फेस पूरा अच्छे तरीके से करा दिया है। तो अभी ये हमारा सिलेंडर हेड जो है वो पुराना वाला ही बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और अभी एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा, एकदम बढ़िया काम करेगा। तो चलिए लगवाते हैं अभी सिलेंडर हेड को, सिलेंडर हेड गैसकेट के ऊपर, और फिर इसको पूरी अच्छी तरह से फिटिंग करवा देते हैं। और फिटिंग करने के बाद आपको ये इंजन हम स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो हेड गैसकेट पर हमने नया वाला इंजन ऑयल लगा दिया है और लगवा रहे हैं आपके सामने इसका सिलेंडर हेड। और सिलेंडर हेड लगाकर पूरा अच्छे से कसाव करवा देंगे इसका। और दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ, आपने हमारी हर वीडियो में नोटिस किया होगा हम इंजन को बहुत अच्छा साफ़ करते हैं। इस सिलेंडर हेड को भी हमने अच्छे से साफ़ किया था, लेकिन ये काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसको हमने पूरा वेल्डिंग करके बनवाया है। और वेल्डिंग करने के लिए दोस्तों सिलेंडर हेड को पूरा अच्छी तरह से तपाना पड़ता है, तब जाके एल्युमिनियम वेल्डिंग होता है। तो तपाने में ये काला हो गया है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद इंजन में सफाई नहीं की है, लेकिन हम सफाई में बहुत ध्यान देते हैं, आपने हमारी हर एक वीडियो में देखा होगा। तो चलिए अभी इसे फिटिंग करवाते हैं, बाद में लगवाते हैं इसके रॉकर आर्म। तो ये इसके HLA हैं, टैपेट रॉकर जो कहलाते हैं। तो ये 16 के 16 टोटल सही निकले हैं, बिल्कुल न्यू कंडीशन के हैं और इनमें ज़रा भी कोई कमी या ख़राबी नहीं है। तो ये 16 पीस जो हैं दोस्तों, एक पीस की कीमत लगभग 400 रुपये के ऊपर होती है, तो ये करीब करीब 6,500-7,000 रुपये के रॉकर हैं, जो कि ये पुराने बिल्कुल सही हैं और नई कंडीशन के हैं। तो अभी कस्टमर के कम से कम 7,000 रुपये ये भी बच गए। तो जो लोग भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, जो खर्चा पूछते हैं हमसे फ़ोन करके, तो आपको बता दूं कि इंजन जब खुलता है, खुलने के बाद हम सभी पार्ट्स चेक करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जितने भी चेन गाइड, फिक्स गाइड जितने भी हैं बिल्कुल सही कंडीशन के हैं, और ये जितने भी इसके एडजस्टर बोल्ट हैं वो सभी ठीक हैं। और इसकी जो टाइमिंग चेन है दोस्तों, छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी शायद थोड़े टाइम पहले किसी मैकेनिक भाई ने इसको चेंज किया था, इसलिए बिल्कुल न्यू कंडीशन की निकली हैं। तो बताने का मतलब ये है कि जो लोग फ़ोन करके खर्चा पूछते हैं ना कि जमाल भाई कितना खर्चा आएगा, तो ये वीडियो में आपको देख के पता लग रहा होगा कि देखो जितना सामान सही निकलता है वो कस्टमर का हम वही लगा देते हैं धोकर साफ करके। अब ये टोटल सामान जो सामने रखा हुआ है करीब करीब 15,000 से ऊपर का सामान है, तो करीब करीब 15,000 से ऊपर ये कस्टमर के ये भी पैसे बच गए इंजन में। और लगा रहे हैं अभी हम सभी टैपेट रॉकर जो हमने पुराने वाले रेडी करके रखे थे, क्योंकि बिल्कुल सही कंडीशन थे, तो सब पे नया वाला इंजन ऑयल लगा कर इनको रेडी कर लेते हैं। और इनको रेडी करने के बाद में लगाते हैं। तो फाइनली सभी 16 के 16 टैपेट रॉकर हमने अच्छे तरीके से लगा दिए। और लगाने के बाद में ध्यान देना होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टैपेट रॉकर की जो आगे की नोक होती है ये वाल्व के ऊपर ठीक से बैठ जाना चाहिए। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में अगर आपने लगा दिया और इसकी नोक अगर वाल्व के ऊपर ठीक से नहीं बैठी तो फिर ये उतरने के चांस रहते हैं। ये जैसे ही आप कैम शाफ्ट लगा के इंजन को घुमाएंगे तो वाल्व के ऊपर से नोक जो है टैपेट रॉकर की उतर जाएगी और टैपेट रॉकर जो है टूट सकता है, तो ध्यान रखें इस बात का। तो सभी लगाने के बाद में अभी हम लगाएंगे इसकी कैम शाफ्ट। और कैम शाफ्ट लगाने से पहले इसमें थोड़ा थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल लगाना होता है उस जगह पर जिस जगह पर कैम शाफ्ट लगाई जाती है। और फाइनली दोनों कैम शाफ्ट जो हैं वो हमने अच्छे तरीके से इसमें लगवा दी हैं। और कैम शाफ्ट लगाने के बाद में दोस्तों इसका जो फेस है, ये दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा, ये वाला फेस, इस फेस पर क्योंकि कोई पैकिंग तो होता नहीं है इन इंजनों में, तो इसको फेस को खुशक कपड़े से साफ़ कर लेना है। उसके बाद में हम इसमें एनावॉन्ट की ट्यूब लगा देंगे लीकेज रोकने के लिए, ताकि इंजन ऑयल बाहर ना आए। और बाकी आप जो भी ट्यूब यूज़ करते हैं आप लगा सकते हैं, मैं इसमें एनावॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए लगवाते हैं अभी एनावॉन्ट की ट्यूब और फिर आपको दिखाते हैं लगाने के बाद में। तो पूरे फेस पर हमने एनावॉन्ट की ट्यूब अच्छी तरीके से लगा दी है, आपको साफ साफ दिख रही होगी। ये इसलिए लगाई जाती है ताकि इंजन ऑयल की लीकेज बाहर ना आए, इंजन ऑयल बाहर ना निकले। तो ट्यूब हमने अच्छी तरीके से लगा दी है और लगवाते हैं इसका रॉकर आर्म कवर। और दोस्तों ये इसका जो हमने अभी एल्बो बदली थी एल्युमिनियम वाली, उसके जस्ट बराबर में लगा होता है, ये कूलेंट वाला पाइप है
और ये पाइप पुराना वाला ख़राब हो गया तो हमने नया लगवा दिया है, और पुराना वाला हमारे हाथ में है तो ये पाइप हमने इसलिए बदल दिया क्योंकि ख़राब हो रहा था ये। और इसकी जो टाइमिंग चेन वगैरह जो सभी पार्ट्स जो मैंने आपको दिखाए थे दोस्तों, वो सभी हमने अच्छे तरीके से फिटिंग करवा दिए हैं। लेकिन जो मैकेनिक भाई अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, टाइमिंग का वीडियो मैंने अलग से डाल दिया है, आज ही अपलोड किया है अपने चैनल पर। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसके जो चैन एडजस्टर हैं ये वाले, ये एडजस्टर भी हमने पुराने ही लगाए हैं क्योंकि बिल्कुल न्यू एडजस्टर थे। टाइमिंग चेन की सभी फिक्स गाइड, चेन गाइड, टाइमिंग चेन और इसके जो दोनों एडजस्टर, ये वाला एडजस्टर भी हमने पुराना लगाया है। और इसके जो केम शाफ्ट के गियर हैं दोस्तों, जो आपको दिखा रहा हूँ ये वाले गियर जो हैं वो हमने सारे गरारी जो हैं वो हमने नई लगाई हैं क्योंकि ये गाड़ी के साथ की थी अभी तक और गाड़ी करीब 2 लाख किलोमीटर चल गई है। तो इसके जो हाई प्रेशर पंप का गियर है, केम शाफ्ट का गियर है और इसकी क्रेंक शाफ्ट का गियर जो यहाँ पर लगा हुआ है ये अंदर की साइड में, ये तो सारे गियर हमने चेंज किए हैं। बाकी टाइमिंग चेन के एडजस्टर, इसके रॉक, सभी पैड हमने पुराने ही लगाए हैं और बिल्कुल सही थे। और दोस्तों ये रहा इसका टाइमिंग कवर, ऑयल पंप जो है क्योंकि ऑयल पंप सीज हो गया था, ख़राब हो गया था, काम छोड़ गया था, इसलिए हमने ये ऑयल पंप यानी टाइमिंग कवर नया मंगा लिया है। चलिए लगवाते हैं अभी। तो फाइनली हमने टाइमिंग कवर जो है इसका ऑयल पंप जो है कंप्लीट करके इसको मतलब अच्छे तरीके से इसको हमने लगा दिया है। और लगाने के बाद में दोस्तों इसकी जो टाइमिंग सील होती है, फ्रंट कवर सील जो है हम नए लगाएंगे। बाकी इसका वाटर पंप जो है ये हमने नया लगाया है और क्योंकि पुराने वाले वाटर पंप में चाल बन गई थी और उसका बैरिंग भी आवाज़ कर रहा था, ये इसका पुराना वाला वाटर पंप है तो पुराना वाला वाटर पंप हमने निकाल दिया है क्योंकि अगर ये पुराना लगाते तो आगे चल के थोड़ा बहुत टाइम के बाद में 4-6 महीने बाद ये ख़राब हो जाता, वापस से इंजन फिर सीज हो जाता, तो इसलिए हमने इसको भी चेंज कर दिया। तो वाटर पंप भी दोस्तों हमने महिंद्रा का ओरिजिनल लगा दिया इसमें। और दोस्तों लगवाएंगे इसकी फ्रंट टाइमिंग कवर सील। तो टाइमिंग कवर सील लगाने से पहले हम आपको इसकी सील दिखा देते हैं, अभी हमने वो भी महिंद्रा की ओरिजिनल मंगाई है सील। तो ये रही दोस्तों इसकी फ्रंट टाइमिंग कवर ऑयल सील। तो ये ऑयल सील जो है स्कॉर्पियो, एम हॉक में, एक्सयूवी में और महिंद्रा मैक्सिमो में सब में सेम आती है, तो ये सील आप किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं, महिंद्रा की ज़्यादातर गाड़ियों में। तो हमने फाइनली सील लगा दी है और सील लगाने के बाद में दोस्तों अब ये इंजन हम गाड़ी में लगा कर आपको दिखा देंगे। तो इंजन जो है दोस्तों हमने गाड़ी में लगा दिया है अभी और इसका फिटिंग का काम चल रहा है। तो ये इंजन का पूरा फिटिंग का काम जब हो जाएगा तो ये इंजन हम आपको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे, स्टार्ट इंजन भी दिखाएंगे आपको। तो अभी इसकी फिटिंग पहले पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। और दोस्तों लगभग फिटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये रहा इंटरकूलर का ब्रैकेट और ये बार बार टूट जाता था, इसको वेल्डिंग करा के परेशान हो चुके थे। तो अभी हमने लास्ट में इसका इंटरकूलर का ब्रैकेट नया मंगा कर लगवा दिया है और अभी इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ स्टार्ट करो। तो दोस्तों अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट है और इसकी साउंड भी आप सुन सकते हैं। तो क्योंकि इसका हमने पूरा इंजन बनाया है लेकिन अभी इसका इंटरकूलर खुला हुआ है और इसका टर्बो चार्जर जो है, टर्बो चार्जर का कनेक्शन भी खुला हुआ है, तो इसलिए गाड़ी की साउंड अभी आपको थोड़ी सी भारी लग रही होगी। वगैरह सभी लगाकर हमने कंप्लीट कर दिया है और अभी हम ये गाड़ी आपको स्टार्ट करके भी दिखाते हैं। तो इसका इंटरकूलर वगैरह सभी कुछ लगा लिया हमने और पूरी फिटिंग कर ली है, गाड़ी पूरी तैयार है। और चलिए अभी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं अभी ये गाड़ी। हाँ स्टार्ट करो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर दोस्तों नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ये छोटी सी काम वाली जानकारी आगे भी पहुँच सके।